subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. और आज का इंसान किसी और हुलिये का है। इंसान नहीं बदला है, उसके कपड़े बदले हैं, गाड़ियां बदली हैं, मकानात बदले हैं, मारने के और दिफा करने के जरिए बदले हैं, रहन सहन के तरीके बदले हैं, इंसान नहीं बदला। ये बच्चा सवाल करता है कि इस्लाम तो 1400 साल पुराना दीन है, ये आज जदीद जमाने के साथ इस्लाम कैसे चलेगा। उसको भी जवाब देता हुआ गुजर जाऊं कि इस्लाम का ताल्लुक मादे से नहीं है। मादे से जब बात इस्लाम करता है तो जिमनन बात करता है, जेलन बात करता है, जिमनी तौर पर, सानवी तौर पर बात करता है। इस्लाम गाड़ियों से मुताल्लिक कुछ बात ही नहीं करता। वाह वाह। इस्लाम कपड़ों से इस्लाम के तो कोई कपड़े ही नहीं है। इस्लाम ये कहता ही नहीं है कि पजामा पहनो या पैंट ना पहनो। इस्लाम ये कहता ही नहीं है कि धोती ना बांधो और पजामा पहनो। इस्लाम तो कहता है हया बचाओ, जो चाहो पहनो। इस्लाम का मौजू कपड़े नहीं है। इस्लाम गिजाओं से मुताल्लिक बात ही नहीं करता कि फला डिश खा लो जो इंडियन बनाते हैं, फला खा लो जो मिसाल के तौर पे मगरबी लोग बनाते हैं। नहीं, किसी चीज को इस्लाम नहीं रोक रहा खाने पीने में। इस्लाम कह रहा है हलाल खाओ, जो चाहो खाओ। मकानात भी इस्लाम का मौजू नहीं है कि झोपड़ी में रहने वाला हकीर है और बंगले में रहने वाला अमीर है। बाज़ोगा तो उल्टा हो जाता है। सलवात पढ़ने जा रहा हूं। और खबरदार, आप लोगों के सामने तो ये बात बार बार करने का कोई फायदा नहीं है, यानी इसको कहने का खास फायदा शायद ना हो, लेकिन ये बात जहन में रहे कि किसी के अगर कपड़े फटे हुए हो तो वो हकीर नहीं होता, और किसी ने महंगे कपड़े पहने हुए हो तो वो अमीर नहीं होता। वैसे भी मैं और आप जो इस वक्त एक मुश्तरका कैफियत में है, वो है कपड़े पहने हुए लोग हैं, यानी हम इस वक्त लिबास पहने हुए हैं। और लिबास अरबी जबान में, लिबास का अरबी जबान में तर्जुमा है धोखा। लुगत में जाके देखिए, अरबी का लफ्ज है लिबास, लिबास के मानी है धोखा। हम सब मुश्तरका एक कैफियत में, और दुनिया में अपने बच्चे को पहला तोहफा भी हम धोखा ही देते हैं। इसलिए ये खतरनाक चीज है। इसी की बुनियाद पे आज फैसले होते हैं। जिसने ज्यादा महंगा लिबास पहना हुआ होता है वो बड़ा लग रहा होता है, और जिसके जिसका पाए चौधरा हुआ हो वो हकीर लग रहा होता है। तो जिस बुनियाद पर फैसले होते हैं वो बुनियाद ही ठीक नहीं है। अच्छे कपड़े पहनने वाला बड़ा आदमी, और फर्ज कीजिए फटे हुए कपड़े पहनने वाला हकीर आदमी। इस्लाम कहता है अपनी दीद तब्दील करो, ऐनक तब्दील करो। और मैं और आप जहां बैठे हुए वहां ऐनक तब्दील करवाई जाती है, वहां दीद तब्दील करवाई जाती है। बात आई है तो मैं इसको पूरा तो जरूर करूंगा जी। खबरदार, किसी का अगर कालर उठा हुआ हो तो उसे हकीर ना जानिएगा, और किसी ने अगर कलफ के कपड़े पहने हुए हो और महंगे कपड़े पहने, हमारे यहाँ ज्यादा होता है जी, ये तो वो अमीर नहीं होता। बाज़ोकात तो लोगों के कपड़ों में कलफ नहीं होता, उनकी गर्दनों में भी कलफ। और महंगे कपड़े पहन के वो अपने आप को महंगा समझ रहे होते हैं। और इससे ज्यादा और क्या ये छोटा होगा कि ये कपड़ों की बुनियाद पर अपने तरीकों और रवैयों को बदल रहा है। नहीं अजीजाने ग्रामी, खबरदार, मुमकिन है कोई फटे हुए कपड़ों में हो और वो अल्लाह का वली हो, और क्या मालूम कोई महंगे कपड़ों में हो और वो वक्त का यजीद हो। ये तो फैसला ही सही नहीं है, ये तो तरीका ही सही नहीं है। तो मैं और आप इस वक्त जिस कैफियत में है, और दुनिया में हमारा कदम पहला कदम, और अभी 5 मिनट नहीं गुजरे होते कि अम्मा नाना दादा ने, नानी ने और खाला ने और बुआ ने और किसी ने वो जो निहालचा बनाया हुआ था वो पहला तोहफा बच्चे को चढ़ा दिया जाता है, वो है धोखा। फिर मौला अली फरमाते हैं मा लोबेस तो, लिबास को जहन में रखिएगा, मा लोबेस तो अला नफसी वला लोबेस अलैया, आज तक मुझ अली ने अपने आप को धोखा नहीं दिया, और दुनिया में कोई फायदा नहीं हुआ जो अली को धोखा दे। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं आज कर रहा था कि हम और आप इब्तदाई मजलिस से मेरी, हम जहां बैठे हैं यानी फर्श अज़ा, मजलिस अज़ा, इमाम बारगाह, जिक्र इमाम हुसैन, ये दर हकीकत ऐनक तब्दील करने की जगह है, दीद बदलने की जगह है। मुसलसल हमें यहां से कुछ ना कुछ मिल रहा है, और
फितरत से करीब है, इसलिए इसमें इजाफा है, कमी नहीं है। अगर फितरत से ये दूर होता, तरीके इसके फितरत के खिलाफ होते तो ये मिट गया होता। ये फितरत से करीब तर है, और जितना इसको फितरत से और करीब तक करते चले जाएंगे, इसमें कुछ चीज़ों की मिलावटें हो रही हैं, वो बुजुर्गों का काम है, वो जिम्मेदारों का काम है, वो इदारों के सरबराहों का काम है कि उन मिलावटों, अच्छी चीज़ों का तो इजाफा होने दें, लेकिन ऐसी चीज़ों का इजाफा ना होने दें जो फितरत से दूर कर रही है।